नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। ट्रैफिक एसपी ने सख्त दिया निर्देश, यदि विदाउट हेलमेट कोई चल रहे हैं तो लाइसेंस किया जाए जब्त उनका, और भी नियमों के अनुसार 6 महीने तक का हो सकता है जेल। शासन और सरकार का दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका है 3 महीने का। हालांकि 3 महीने का वक्त जो दिया गया है, बहुत लोगों को ये समझदारी नहीं थी। अब यहाँ देख सकते हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के हर जगह प्रशासन फिर से टाइट कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस को, और चेकिंग अभियान मुहिम को तेज कर दिया गया है। इसमें प्रावधान है, यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो लाइसेंस जब्त या जेल भी हो सकता है। आज का जो खास जो विजुअल है कि हेलमेट रहते हुए भी हम हेलमेट यूज नहीं करते हैं, तो फिर हम हेलमेट लेकर चलते ही क्यों हैं? चलो मानते हैं नहीं है तो अलग की बात। आप देखें यहाँ पे, जैसे ही प्रशासन को देखे ट्रिपल लोड विदाउट हेलमेट कैसे वो स्किड करके भागते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो हानि है ही, और उसके चलते जो आपके आगे पीछे यदि है कोई तो सबसे ज्यादा खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लड़कियां भी कम नहीं है, आप देखें यहाँ लड़कियां भी कैसे भागी अभी यहाँ पे, यहाँ देखें खुला बटन करके और कैसे ये उड़ते हुए जा रहे। खैर, आप भागे ना भागे आपकी मर्जी, पहने ना पहने आपकी मर्जी, कम से कम अपने लिए तो नहीं लेकिन घर वालों की जरूर चिंता करें। हमारा कुछ आगे का विजुअल इसी पे है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एक हेलमेट के चलते हमारी जान कैसे बची, और उसके बाद एक स्क्रिप्ट इस पे हमने तैयार किया है, उसको भी आप देखेंगे, शायद ये आपके समझ में आ जाए। तो अपने लिए नहीं, कम से कम अपने घर वालों से आप प्यार करते हैं तो जिंदगी है बहुत अनमोल। हर हमेशा इस बात को हम आए दिन बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं। मासूम सी बच्ची है, मैं जा रहा था तो कुछ अच्छा लगा तो इसका विजुअल मैंने ले लिया। कराटे, जीरो कराटे का कोचिंग करने ये बच्ची जा रही थी। तो आप यहाँ देखें, ये हेडफोन लगाए हुए हैं, इस पे बहुत भयानक जुर्माना है, 5,000 रुपए का जुर्माना है और 6 महीने का जेल भी है। मोबाइल यूज करते समय यदि आप बाइक चलाते हैं, तो आप यहाँ भी देखें कैसे ये भागे यहाँ पे प्रशासन से कटिंग करके। यहाँ भी आप देख सकते हैं, चेकिंग देखते हैं तो लोग किस कदर भागते हैं, हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट जाए। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये कैसे भागे, स्लो किए और फिर तुरंत गाड़ी को बैक करके कटिंग करके और निकल गए। और कुछ लोगों ने प्रशासन से कुछ लोग उलझ भी जाते हैं कि कानून हम भी जानते हैं, हमें आप कानून ना सिखाएं। अच्छी बात है, कानून की जानकारी होनी चाहिए और हर किसी को होनी चाहिए, एजुकेशन बहुत मस्ट है। लेकिन जहां तक हेलमेट का सवाल है तो कम से कम इस पे बहस ना हो, हम अपनी सुरक्षा जरूर करें। चलिए, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं। आइए हम इस विजुअल पे चलते हैं कि लोगों ने क्या कहा। आइए देखते हैं लोग प्रशासन से कैसे उलझते हैं, कुछ लोगों ने क्या कहा। अभी यहाँ पे अभी वो वाला कार को पकड़ी, उसमें पक्का सीट बेल्ट नहीं पकड़ा होगा, उसका भी फाइन है। लॉ हम लोग भी पढ़े, दूसरा को मत पकड़ो, अपना देखो ना, तू अपना देखो। ये बोल रहा है कि सीट बेल्ट नहीं पहना है, जान के लिए बोला जाता है, ये तुम्हारे अपने सेफ्टी के लिए है। इतना एक्सीडेंट हो रहा है सर, हम लोग भी हेलमेट पहन के चलाते हैं, ऐसा नहीं है। इसको कैसे बोल दिया, बताओ इसको, ये अपनी सुरक्षा की बात है, उसे बोल रहा है ना। मेरा खुद का जान बचा हुआ हेलमेट की तरह है, बिल्कुल स्लो में बाइक चला रहे थे और मिट्टी पे स्किड किया और हेलमेट टकराया, सर टकराया आगे से, हेलमेट था तो हम बचे। गुड ड्राइव करने टाइम हेलमेट यूज करना चाहिए, ऑल पीपल्स ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर पीपल्स को एवरीथिंग हेलमेट इज इम्पोर्टेंट, यूज करना चाहिए और बिना हेलमेट के विदाउट ड्राइव नहीं करना चाहिए। लड़कियां खास करके क्या है, आपको दिखता है लड़कियों? लड़कियों को ये चीज़ नहीं एहसास होती है कि हमने हेलमेट पहना ना पहना, हमें पुलिस रोके ट्रैफिक रोके ना रोके, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। वो तब समझ में आता है जब उन्हें कहीं एक्सीडेंट करके छोटा मोटा स्क्रैच आता है, तब समझ में आता है। तो वो स्क्रैच आने से पहले हम क्यों ना उस चीज़ को बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा से क्यों ना हम यूज करें कि हेलमेट पहने सेफ्टी घूमे तो अच्छा है ना। ड्राइव करने टाइम में कहीं भी स्क्रैच लग सकता है, हेलमेट पहने रहेंगे, हो सके मेरी जितने भी जान है वो सेफ्टी रहे, हम उस चीज़ को बढ़िया से यूज कर सकते हैं, हेलमेट क्यों बोला गया। और आप लोग ने तो बहुत अच्छा काम करता है कि आप लोग ने पब्लिक को बताते हैं, और दिस इज गुड, आई एम प्राउड यू। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती, बिल्कुल ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। आइए कुछ और चलते देखते हैं इस पर क्या हुआ फिर बाद में। तो यही है हमारा स्क्रिप्ट जो आजकल के नौजवानों में देखा जा रहा है। आइए चलते हैं इस विजुअल पे। बस अच्छा।
जिस तरीके से आप लोग गाड़ी चला रहे हैं ये क्या सही है? हाँ सही है, हम लोग का गाड़ी है, कैसे चला रहा है? हम लोग जा रहा है, कुछ होता है दुर्घटना में आप उधर आपकी मौत हो जाती है। वो मेरा होगा। आप बैठ जा रहे हैं, सब रूल्स मालूम है, सब रूल्स फॉलो कर रहा है। अब बैठो बैठो बैठो, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। अब बैठना भाई, कोई नियम नहीं तोड़ रहा है। हम लोग का लाइफ है, हम लोग का गाड़ी है, हम लोग का मन, आप कौन होते हैं बोलो? जो करे किसी को कोई मतलब नहीं है। भले के लिए ही बोल रहे हैं, आपके पास हेलमेट भी नहीं है और हेलमेट है तो आप लगा क्यों लगाएंगे? अगर आप ऐसा केयर कर रहे हो, लेरा लेरा की गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माँ बाप पर क्या रिएक्ट पड़ेगा? आपको कुछ पता है? पता तो है, क्या पता है? आप बोलेंगे नियम कानून भी पता है? आप ऐसे माँ बाप के बारे में देखिए, आपने याद दिला दिया, आज से ऐसे नहीं होगा। अच्छा, आपको नियम कानून के बारे में क्या पता? आप बोल रहे थे कि मुझे नियम कानून के बारे में पता है। नियम कानून तो बहुत कुछ पता है, मगर ये आप जो आप बात बताए इससे तो थोड़ा लगा कि हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं और हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए गलत है। ट्रिपल लोड बिना हेलमेट गाड़ी ऐसे गलत चलाना, ये आज के जमाने में ना भाई बहुत कोई ऐसे हैं जो कि रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो और जो आप लोगों आपने अभी जो हमें बताया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के बहुत बहुत कदर करते हैं, उन लोगों ने हमें पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और हेलमेट से एक जिंदगी बच सकती है, जिंदगी बच सकती है। और हम लोग ये गलत कर भी रहे थे, मगर आप ये जब बात बोले तो हम लोग को समझ एक परिवार का जिंदगी जी जी बिल्कुल आज के बाद से आप माफी मांगिए जी। सॉरी, हम लोग बोल रहे हैं गलती हो गया, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। हम लोग दो लोग चलेंगे एक बाइक पे, दोनों हेलमेट रहेगा और हम लोग से जो भी गलती हुआ इसके लिए सॉरी सर। सेफ लाइफ सेफ ड्राइव। और सब लोग से भी अपील है कि आजकल के जितने भी यंगस्टर है सब हेलमेट लगाए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें और सब सुरक्षित चले, अपने फैमिली के बारे में भी सोचे और अपने आने वाले बारे में भी सोचे। क्या इसके बारे में सब लोग को बताओगे कि नियम का? जी सबको बताएंगे, ये बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि नियम का फॉलो करें। और आपके बार आप मिलोगे हमें तो कैसे? बस हम लोग अगर सिंगल रहेंगे तो हेलमेट रहेगा, दो लोग हैं दोनों हेलमेट रहेंगे, आप खुद देख लीजिएगा। और ये गाड़ी एक सुरक्षित चलाएंगे, एक रूल्स के तहत चलाएंगे जी। चलो, ये लोग तो हमारी बातों को कद्र किए, शायद आप करें कि नहीं ये तो पता नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या है इस पे आपका राय। अरे भैया, आप तो वही लोग, उस दिन जो बात आप बताए इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे और मुझे अपने घर वाले से प्यार है, अपने ज़िंदगी से प्यार है। और जब से हम लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं, सही गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग को अच्छा भी फील हो रहा है और सही तरीका भी है, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, घर वाले भी खुश है। घर वाले भी पहले बहुत डांटते थे कि कैसे गाड़ी चलाते हो, लोग बोलते थे मोहल्ले के आसपास के। और आप जब घर के बात किए, ज़िंदगी के बारे में किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। और आज से हम लोग वो फॉलो किए हैं, अब हेलमेट लगाना है और ज़िंदगी सुरक्षित करके जीना। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इससे बहुत सेफ्टी है, हर कुछ को सेफ्टी है इससे लेकर। कोई को लगाना चाहिए हेलमेट, हर कोई को। ये इसने मैंने रोड से उठाया था, ये मेरे दोस्त है, बगल पे रहते हैं। और अगले बार से मैं भी हेलमेट पहन के जरूर आऊंगा। और नहीं, ये तो है ना, रास्ते पे थे तो मैंने इसे उठा लिया कि चलो आगे तक छोड़ दो, तो मैंने इसे पिकअप कर लिया। नेक्स्ट टाइम से ये भी हेलमेट लगा के आएगा जब वो मेरे साथ चलेगा। तो आपने जो बोला था हमें, आपने जो हमें मतलब जो न्यूज़ दिया था, उसके द्वारा हम लोगों ने ऐसा बहुत सा जान है जो हम लोगों ने भी बचाया। और जो आपके चैनल से, जो SMP झारखंड के चैनल से के माध्यम से हमारे दोस्तों और बहुत से ऐसे आदमी लोग हैं, उन लोग का भी जान बचा है। और ऑल डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हम लोग बना लिए हैं खुद का और सब कुछ सुरक्षित से चल रहे हैं हम लोग। और लोगों के लिए यही एक सूचना देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं और सब लोगों से, खासकर यंगस्टर लोग हैं जो आजकल के बच्चे हैं जिनके 18 साल भी नहीं पूरते, वो भी ड्राइव करने सीख जाते हैं, आ जाते हैं। और इनके गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग से उम्मीद है कि गाड़ी को एकदम पूरा सावधानी से चलाए। और इनके गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके बच्चे का 18 साल नहीं होते गाड़ी इनको नहीं चलाने दे रास्ते पे, ये गैर कानूनी है। और सेफ लाइफ सेफ ड्राइव, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें और प्लीज़ यातायात नियमों का फॉलो करें, नियम का लागू करें और सब सही। और हमारे प्रशासन का सपोर्ट करें आप लोग भी, क्योंकि आजकल प्रशासन पे भी लोग हाथ उठाने लगते हैं कि आप ये कर दिए ये कर दिए। लोग होता है कि अगर 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 उनको रोका जाता है कि भाई आप रोक दो, तो भाई उन्हीं को गाली देते हैं कि आपने चेक इन के लिए, अगर पुलिस आपको रोकेगी तो आप रोकेंगे या भगाएंगे गाड़ी? जी जरूर रोकेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा डिटेल, हमारे पास सारा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ
हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल रोकेंगे, क्योंकि हम लोग प्रशासन का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा हम लोग लेके चलते हैं, सब कागज उगज क्लियर है, सारा चीज हम लोग नशा करके गाड़ी एकदम बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले नशा गाड़ी करके, नशा करके गाड़ी नहीं चले जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नशा करके चलाते हैं और उनके चक्कर में बहुत से ऐसे मासूम लोग होते हैं जिनका जान चला जाता है। तो प्लीज़ हम लोगों से आप, SMP झारखंड ने जो हम लोग को सिखाया, हम लोग आपको बता रहे हैं भाई, सारा हेल्प करें, सबका एक दूसरे को लेके चले, सारा डॉक्यूमेंट पकड़ के चले, और जितना भी मतलब आप सेफ्टी बनाए रखते हैं, स्पीड लिमिट जो रहता है स्पीड लिमिट पे ध्यान। तो अभी आपने इन बच्चों से सुना, यंग जनरेशन से सुना कि हम यातायात नियमों का पालन कैसे करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि प्रशासन का दिया हुआ वक्त अब समाप्त हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, यातायात नियमों का पालन करें। धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आते हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।